सबसे पहले हमें क्या करना है, VMware वर्कस्टेशन में मैंने सर्वर खोला, सर्वर मैनेजर पे जाना है। ये आइकन एक शॉर्टकट है VMware सर्वर मैनेजर के लिए, ठीक है। RAM सर्विस डालनी है इसके अंदर, नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज में आती है जो पहले से इंस्टॉल्ड है। ये नीचे जाते हैं नेटवर्क एक्सेस एंड पॉलिसी, नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज में जाते हैं, एड रोल सर्विसेज, नेटवर्क पॉलिसी सर्वर, ये हमारा NPS हमारा NAS होता है, ठीक है। देखो NPS अलाउज यू टू क्रिएट एंड एनफोर्स ऑर्गेनाइजेशन वाइड नेटवर्क एक्सेस पॉलिसी फॉर क्लाइंट हेल्प कनेक्शन रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन एंड कनेक्शन रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन। विद NPS यू कैन ऑल्सो डिप्लॉय NAS के क्लाइंट हेल्प पॉलिसी क्रिएशन एनफोर्समेंट एंड रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी, जैसे बताया था वैसे करके इंस्टॉल करना है। क्लोज करने के बाद फिर स्टार्ट से जाना है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, नेटवर्क पॉलिसी सर्वर, यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉन्फिगर NAS पे क्लिक करना है, DHCP सेलेक्ट करना है, NAS पे DHCP लिखा हुआ आ जाएगा, नेक्स्ट करना है। इसके साथ साथ DHCP स्कोप भी होना चाहिए, ध्यान रखना DHCP इसमें पहले से बना हुआ है ऑलरेडी। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट DHCP सारे स्कोप पे अप्लाई हो जाए NAS, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं ऐड करना, नेक्स्ट करना। मशीन ग्रुप में अगर करना चाहो तो कुछ ऐड कर सकते हो ग्रुप में, अदरवाइज नेक्स्ट करना। न्यू ग्रुप यहाँ से बना सकते हो, ग्रुप में SS1 दे रहा हूँ, ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, फ्रेंडली नेम SS1, रिजॉल्व पे क्लिक किया, IP एड्रेस आ जाएगा आपका मशीन का 10.0.0.3, ओके। नेक्स्ट करना है, डिनाई करोगे फुल नेटवर्क एक्सेस टू NAS, ठीक है, इन एलिजिबल फाइव कंप्यूटर, नेक्स्ट करना है, ठीक है। ये कंफिगर करने के बाद हमें DHCP में जाना है, स्टार्ट एडमिन टूल DHCP, इसके अंदर यहाँ पे IPv4 एक्सपेंड करना है, IPv6 पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी NAS का टैब आएगा नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन, यहाँ सेलेक्ट करना है रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस और सेलेक्ट करना है एनेबल ऑन ऑल टू, देन अप्लाई, देन ओके। लास्ट स्टेप में जाना है ग्रुप पॉलिसी में, स्टार्ट एडमिट टूल ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, अंदर फॉरेस्ट नेम एक्सपेंड करना है, डोमेन एक्सपेंड करना है, डोमेन नेम एक्सपेंड करना है, और इसके बाद फिर डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी पे राइट क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है, इसके बाद कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, पॉलिसी विंडोज सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग, यहाँ सेलेक्ट करना है NAS नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन, NAS क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन, एनफोर्समेंट क्लाइंट, डबल क्लिक करना है DHCP क्वारंटाइन एनफोर्समेंट क्लाइंट, एनेबल दिस एनफोर्समेंट क्लाइंट, ओके। विवाद सिस्टम सर्विसेज में जाना है, यहाँ पर NAS का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन एजेंट, डिफाइन दिस पॉलिसी सेटिंग ऑटोमेटिक, ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में जाना है, सिस्टम
के अंदर भी एक जगह जाना है तो ऑप्शन एक आएगा एक और में जाना है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर विंडोज कंपोनेंट में जाना है, सिक्योरिटी सेंटर में टर्न ऑन सिक्योरिटी सेंटर एनेबल करना है, अप्लाई के बाद क्लोज करने के बाद स्टार्ट रन से इजी अपडेट पेज पावर स्लैश पोस्ट आपकी जितनी भी पॉलिसी है वो अपडेट हो जाएगी और नैप इंप्लीमेंट हो जाएगा। बाकी नैप की पॉलिसी हम कैसे चेक करेंगे उसके लिए थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, स्टार्ट पे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल नेटवर्क पॉलिसी सर्वर, इसके अंदर एक ऑप्शन आएगा नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन सिस्टम एज वैलिडेटर विंडोज सिक्योरिटी एज वैलिडेटर सेटिंग डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है पॉलिसी है, डबल क्लिक करा ये हमारी पॉलिसी रहेगी। फायरवॉल ऑन होना चाहिए, एंटीवायरस अपटूडेट होना चाहिए, स्पाइवेयर एंटी स्पाइवेयर ऑटोमेटिक अपडेट सिक्योरिटी सेटिंग ये सब चीजें होगी। अगर आप यहाँ पे बनाना चाहो तो बना भी सकते हो नया पॉलिसी। नैप के अंदर डीएचसीटी के पास कंफिगर हो गया, क्लाइंट साइड पे जाओगे तो आपको आईपी उसी को मिलेगा जो आपका क्लाइंट जिसके अकॉर्डिंग मैनेज हो जाएगा।